स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुलरजाक। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 के बारे में पढ़ना है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इस काबिल नहीं होती, तोड़ देती हैं। इसके नतीजे में कुछ रेडिएशंस इमिट होती हैं, जिनमें बेसिक जो रेडिएशन है वो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन कहलाती है। इसके अलावा और भी होती है, न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, प्रोटॉन्स भी रिलीज होते हैं, सोडियम आयन भी रिलीज हो सकता है, कोई और आयन भी रिलीज हो सकता है। That means, सिर्फ न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन तो वो रिलीज होने के बाद उनके गैस जो है वो ऑर्बिट्स में अपनी जगह पकड़ लेते हैं। तो आज हमें इसी रेफरेंस में स्टडी करना है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को, ठीक है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है कि एक रेडियो एक्टिव के अंदर अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं पड़ा हुआ है, कोई न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ देर में टूट जाना है और इस डिके को स्पॉन्टेनियस डिके कहते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर बम्बार्डिंग करवाते हैं अल्फा बीटा गैमा या किसी और पार्टिकल की और उसके नतीजे में वो टूटता है, तो ये स्टिमुलेटेड जो है वो रेडिएशन होती है, इसके नतीजे में स्टिमुलेटेड रिएक्शन जो है वो जनरेट होता है। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो फिलहाल स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे और यहाँ पे बेसिकली हमें बात करना है अल्फा बीटा और गैमा डिके की। तो कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो सर्टन टाइम के बाद टूट जाता है, टूट के लाइटर एलिमेंट्स में तब्दील होता है। जो एलिमेंट जो कि ब्रेक डाउन करता है उसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं और पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं और प्लूरल जिसका न्यूक्लियाई है। और इसके अलावा जो नए एलिमेंट्स बनते हैं, नए न्यूक्लियस बनते हैं, न्यूक्लियाई बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। इस दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अप्लाई होता है। ये तो जारी बात है कि रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का जो एटॉमिक मास वो बराबर नहीं होता, कुछ मास एनर्जी में तब्दील हो जाता। तो मिला के फिर भी लिखते हुए केमिकल इक्वेशन की तरह हमें एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों साइड का एटॉमिक नंबर, दोनों साइड का मास नंबर, जिसमें जारी बात है न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों आती हैं, वो बैलेंस रहे। न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि जारी बात है जब एक दफा एटम बन गया है उसने अपने एटमोसफेयर से इलेक्ट्रॉन ले ही लेने हैं, ठीक है जी। है वो अल्फा डिके है कि जब कोई एलिमेंट टूटता है और टूटने के नतीजे में वो लाइटर न्यूक्लियाई में तब्दील होता है, तो इस दौरान अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। अल्फा डिके के बारे में हम जानते हैं कि अल्फा डिके जो है वो कितना है, अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, 2, 4+2 ये होते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस आ जाएगा और इसके अलावा जो मास नंबर है वो 4 डिजिट्स पीछे चला जाएगा। जनरल इक्वेशन लिखूं तो लेट्स से मैं कहता हूं कि कोई पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जेड है और मास नंबर ए है। अगर वो रिलीज करता है कोई अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, तो नतीजतन क्या होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 डिजिट्स पीछे चला जाएगा पीरियोडिक टेबल में और जो मास नंबर है वो 4 डिजिट्स पीछे चला जाएगा। तो इसको फॉलो करते हुए आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम क्लासिफिकेशन डॉटर न्यूक्लियाई की एटॉमिक नंबर के हिसाब से करते हैं, मास नंबर के हिसाब से नहीं करते। अगर मैच नंबर ना भी मैच कर रहा हो तो कोई अनस्टेबल आइसोटोप भी इंस्पेक्टिव बन सकता है जो बाद में टूट जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे जो है अल्फा डिके की बात करते हुए स्टेबल न्यूक्लियस की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इस जगह के ऊपर अगर हम इसकी एग्जाम्पल दे, तो एग्जाम्पल क्या है कि जमीन के अंदर बहुत बड़ी क्वान्टिटीज के अंदर रेडियम 88-226 मौजूद है जो कि डिके करता है और रेडॉन गैस बनाता है, जिसका जारी बात है कि अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है 2-4, तो जो एटॉमिक नंबर है वो 88-2 दैट मींस 86 होगा और जो मास नंबर है वो 226-4 दैट मींस 222 होगा। ये अल्फा डिके है, जारी बात है अल्फा रेडिएशन जो है वो स्ट्रॉन्गली आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये चलते हैं जो फास्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो नियर लाइन जो हमारे पास न्यूक्लियाई है, करीब मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से भी वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। तो भाई अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर बहुत हाई होती है, इसके अलावा उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही लो होती है। तो बात पहले किसकी,
हम बात कर रहे थे जी अल्फा पार्टिकल के डिके की या अल्फा डिके की बात की हमने। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे जाके बात करते हैं इसकी बीटा डिके की। बीटा डिके क्या होता है? बीटा डिके वो डिके होता है कि जिसके अंदर किसी न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल रिलीज हो। बीटा पार्टिकल रिलीज होगा तो आपको पता है कि जो बीटा पार्टिकल है वो होता क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन तब बनता है जब एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो और चंदे को छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, फिर एक न्यूट्रॉन बनता है। उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले जनरल इक्वेशन लिख लूं कि अगर हमारे पास एक्स जेड ए वाला कोई पेरेंट न्यूक्लियस है और ये क्या करता है, एक बीटा नेगेटिव रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो नतीजतन जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो एटॉमिक नंबर 1 डिजिट आगे चला जाएगा टॉप पीरियोडिक टेबल के अंदर और उसका मास नंबर सेम वही रहेगा। ठीक है जी, बुक ने जो इसकी एग्जांपल दी है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। बुक ने जो एग्जांपल दी है उसके अंदर क्या लिखा है, थोरियम 90-234 आइसोटोप है। कौन सा आइसोटोप है? 90-234 और ये ब्रेक डाउन करता है किसमें, बीटा पार्टिकल में -10 के अंदर, और डॉटर न्यूक्लिया क्या बनता है, वो प्रो एक्टियम बनता है 91 and 234। ठीक है जी, ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है। ओके, इसके अलावा मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ और वो है न्यूट्रॉन डिके की इक्वेशन के। भाई किसी जगह के ऊपर अगर कोई न्यूट्रॉन मौजूद है तो वो ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, एक प्रोटॉन के अंदर, इसके अलावा क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक पार्टिकल ना छोटा सा पार्टिकल है जो कि एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो रिएक्शन लिखूंगा तो किस तरह लिखा जाएगा, न्यूट्रॉन 01 चेंजेस इनटू प्रोटॉन 11 विद बीटा पार्टिकल -1 and 0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो और इसके अलावा कुछ और पार्टिकल भी होते हैं। तो इस तरीके से जब एक न्यूट्रॉन डिके करता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के अंदर तब्दील हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक बीटा नेगेटिव रिलीज करता है और के नतीजे में न्यूक्लियस के अंदर से हाई स्पीड बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनकी आयनाइज करने की सलाहियत डायरेक्ट कोलिजन और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से भी होती है, लेकिन जो डोमिनेंट फिनोमेना है वो डायरेक्ट कोलिजन ही है, इलास्टिक कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस आने वाले किसी और एटम को आयनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बीटा पॉजिटिव भी होता है। एक क्या होता है, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव क्या होता है, यह होता है +10 +1। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पार्टिकल है। अगर किसी पेरेंट न्यूक्लियस एक्स जेड ए से एक बीटा पॉजिटिव रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, बीटा पॉजिटिव रिलीज होगा, तो नतीजतन यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लिया बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, मास नंबर वही का वही रहेगा। ठीक है, और फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट से बात नहीं करते। एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है प्रोटॉन डिके की इक्वेशन। और प्रोटॉन डिके की इक्वेशन क्या है कि अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है तो साथ वो क्या रिलीज करेगा, साथ एक पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा और इसके अलावा एक न्यूट्रिनो रिलीज करेगा, ये न्यूट्रिनो रिलीज करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि माना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है और टूटने के दौरान वो न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा कोई माइनर पार्टिकल रिलीज कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन किस तरीके से एक न्यूट्रॉन रिलीज कर सकता है और एक बीटा पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन हो रही है। जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 19 के अंदर के पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, वो हो रही है। और पेयर प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है कि लेट्स से हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस है, क्या मौजूद है, हैवी न्यूक्लियस, जिस तरह से बुक ने लिखा था कि काम सिर्फ और सिर्फ किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में होता है, असल में वो इस बात को बताना चाह रहे थे। लेट्स से हैवी न्यूक्लियस कौन है, वो एक प्रोटॉन है, वो क्या है, एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई गैमा रेडिएशन आई है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी लेके, और यहाँ पे आने के बाद वो किसमें तब्दील हो गए हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पेयर में तब्दील हो गए हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन है, जो कि अगर एनर्जी इनफ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। नतीजा क्या होता है कि इस एनर्जी के नतीजे में जो ये वाले दोनों पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स मिल जाते हैं और बनता क्या है, इन दोनों के पार्टिकल्स के मिलने से एक न्यूट्रॉन बनता है और ये जो हमारे पास प्लस ई है ये रिलीज हो जाता है।
की सूरत में इसके अलावा वो प्रोटॉन से मिक्सअप हुई, नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि प्रोटॉन के करीब एक इलेक्ट्रॉन बना, एक बना पॉजिट्रॉन, इसके अलावा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पेयर्स बने, उनमें से ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है ये मिक्सअप हुए और क्या बन गए, ये मिलके बन गए न्यूट्रॉन, ये किसमें तब्दील हो गए, ये बन गए न्यूट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, इसके अलावा एक बीटा पॉजिटिव रिलीज हुआ और इसके अलावा एक न्यूट्रिनो जो है वो रिलीज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी प्रोटॉन के करीब पेयर प्रोडक्शन होती है तो उसके नतीजे में जो बनने वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन अब्सॉर्ब करके न्यूट्रॉन में तब्दील कर लेता है और जो रिमेनिंग पॉजिट्रॉन होता है वो रिलीज होता है और इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है और इसके अलावा चंद एक और माइनर पार्टिकल्स हो सकते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है इस वाले प्रोसेस के अंदर, लेकिन जारी बात है कि अगर ये एनर्जी एक्सेस में है तो रिलीज भी हो सकती है। बहरहाल हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से प्रोटॉन डिके की जो इक्वेशन है वो भी मौजूद है जिसके अंदर बीटा पॉजिटिव रिलीज होती है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर गैमा रेडिएशन इमिट होंगी। नेक्स्ट है जी गैमा डिके। गैमा डिके क्या है, सबसे पहले गैमा रेज की बात करते हैं। गैमा रेज क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस तरीके से कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटमेंट के नतीजे में रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन किसी लो एनर्जी पार्टिकल में ऊपर से नीचे गिरते हैं तो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स रिलीज हो सकती हैं, और अगर एनर्जी थोड़ी सी हाई है तो इंफ्रारेड रिलीज होती है, जैसे कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हीटअप होती है हमें उनके करीब की फील हो रही होती है वो इंफ्रारेड रेज रिलीज करती हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो कि विजिबल पोर्शन में भी रिलीज करती हैं, ठीक है। तो जब विजिबल पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटमेंट का नतीजा होती है, लेकिन इससे भी हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वो इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटमेंट के नतीजे में रिलीज होती है। जैसा कि हमने एक्स रे प्रोडक्शन में पढ़ा था कि हैवी न्यूक्लियाई के अंदर जब इनर चार्ज ट्रांजिशन होती है तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेट होती है या इलेक्ट्रॉन बहुत रैपिडली डीसेलरेट करे रिटार्ड करे तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे जनरेट होती है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्योंकि आप क्या करते हो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके जनरेट करते हो रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था उसमें रेडिएशन अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जनरेट करते थे, तो भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे प्रोडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो जिस तरीके से डी एक्साइट करे तो उस दौरान गैमा रेडिएशन रिलीज होती है। बाज औकात एक्सरे की एनर्जी जो इनर्शियल ट्रांजिशन में जनरेट होती है या रैपिड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जनरेट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी गैमा रेज से भी हाई होती है। बस गैमा रेज की क्लासिफिकेशन क्या है कि एनर्जी भले लो हो या हाई हो, वैसे तो हाई ही होती है, अल्ट्रा वायलेट से तो कहीं हाई होती है लेकिन बाद वक्त एक्सरे से लो जाती है। गैमा रेडिएशन तब रिलीज होती हैं, ये हाई एनर्जी रेडिएशन हैं और तब रिलीज होती हैं जब न्यूक्लियस डी एक्साइट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि कोई हीलियम का न्यूक्लियस अगर हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से, वैसे तो हीलियम रेडियो एक्टिव नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, हीलियम रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ इसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये न्यूक्लियस इससे तब्दील होकर इस स्टेट में आ गया कि यहाँ पे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम फासले के ऊपर चले जाए तो इस दौरान साथ रिलीज क्या होगा, साथ रिलीज होगा गैमा रेडिएशन। दैट मीन्स अगर कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस एक्साइट होता है हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन से लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है तो उस दौरान जो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो गैमा रेडिएशन होती है, ठीक है। सो गैमा रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब है अगर कोई पैरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है वो एक्साइटेड है और वो डी एक्साइट होता है तो वही का वही रहेगा, बस न्यूक्लियस एक्साइट नहीं होगा और साथ रिलीज क्या हो जाएंगी, गैमा रेडिएशन रिलीज हो जाएंगी और इस दौरान डॉटर न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, डॉटर न्यूक्लियस के ऊपर
60 आइसोटोप है, ये एक्साइटेड हो तो कोबाल्ट 60 स्टेबल में तब्दील हो जाता है विद रिलीज ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है। सो ये एग्जांपल है। तो यहाँ तक हमने मेन जो रेडिएशन है उनकी बात कर ली, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन की। आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि गामा रेडिएशन का आयनाइजिंग सीक्वेंस क्या है। गामा रेज अपने रस्ते में आने वाले गैस के एटम्स को आयनाइज करती हैं किस तरीके से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से या क्वांटम इफेक्ट से, ठीक है। सो इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन में भी वो चार्ज पार्टिकल जनरेट कर सकती हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब हो जाए, तो ऐसा तो होता नहीं। इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर सकता है उसकी रेंज से कहीं बाहर है। तो इसलिए जो गामा रेडिएशन है वो या तो क्वांटम इफेक्ट करवाएंगी या पेयर प्रोडक्शन करवाएंगी, और इस तरीके से वो क्या करेंगी, वो आयनाइज करेंगी। ये तो जो प्रोमिनेंट रेडिएटिव पार्टिकल्स हैं हमने उनकी बात कर ली है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन भी रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास न्यूट्रॉन डिके है, तो न्यूट्रॉन डिके कैसे होगा? न्यूट्रॉन डिके के लिए हमारे पास एक पार्टिकल है फॉर एग्जाम्पल एक्स जेड ए, वो किसमें तब्दील हो जाएगा? एक और पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर मास एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर वन डिजिट कम होगा, और साथ क्या रिलीज होगा? साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा। न्यूट्रॉन डिके की इक्वेशन है, ठीक है। सो न्यूट्रॉन डिके की आगे हम इक्वेशन पढ़नी भी है कि कैसे हम न्यूट्रॉन जनरेट करते हैं। और देखिए अगर मैं बात करता हूँ बी इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए वो अपनी एनर्जी लूज कर सकता है, गामा रेडिएशन है वो भी चंदे के इलेक्ट्रॉन से क्वांटम इफेक्ट करवाएंगी या पेयर प्रोडक्शन करवाएंगी और उनकी आयनाइजेशन की स्लाइड खत्म हो जाएगी। अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन में से अगर हम कंपैरिजन करें तो गामा रेडिएशन सबसे दूर तक मार्क करती है, उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, क्यों? क्योंकि आयनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। कि अगर हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस है तो उसमें निकलते ही किसी गैस के इलेक्ट्रॉन छीनने और न्यूक्लियस में तब्दील हो जाना है और साइज उसका बड़ा हो जाना है, जिसके नतीजे में उसने क्या करना है, दो तीन कोलिजन के बाद रुक जाना है। गामा रेडिएशन की इनमें से रेंज सबसे ज्यादा हाई है, पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, आयनाइजिंग पावर कम है लेकिन दूर तक मार्क करती है, लेकिन ये भी जो है वो क्या करती है, इनवर्स केरला को फॉलो करती है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी खासियत ऐसी है कि ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1837 टाइम्स हैवी है। इसका मतलब है अगर एक न्यूट्रॉन चल रहा है सर्टन वेलोसिटी के साथ तो उसको अपनी पूरी एनर्जी लूज करने के लिए 1837 कोलिजन चाहिए इलेक्ट्रॉन से। और आपको ये भी पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी मटेरियल है इसका ज्यादातर हिस्सा खाली है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब हम कोई पार्टिकल स्ट्राइक करवाते हैं तो वो सिर्फ चंद एक पार्टिकल हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, ज्यादातर क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा जो हमें फिल नजर आ रहा होता है असल में वहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हिस्सा खाली होता है। इसलिए एक तो न्यूट्रॉन की कोलिजन के चांसेस इलेक्ट्रॉन के साथ रेयर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन उन्होंने करनी नहीं, ठीक है। टकरा भी जाए इलेक्ट्रॉन से तो उन्होंने रुकना नहीं, इसका मतलब है न्यूट्रॉन। और अगर वो न्यूक्लियस से टकराते हैं तो नतीजतन क्या होगा? नतीजतन ये होगा कि न्यूक्लियस किसी नए आइसोटोप में तब्दील हो जाएगा, और वो आइसोटोप हो सकता है रेडियोएक्टिव हो। इसलिए न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, आयनाइजिंग पावर सबसे कम है, और सबसे ज्यादा डैमेजिंग रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट तक जाके वो आपकी अपनी बॉडी को रेडियोएक्टिव बना सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ स्किन बर्न्स करते हैं, बीटा पार्टिकल्स अंडर द स्किन जाते हैं, गामा रेडिएशन इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाती हैं और वहां पर जाके डीएनए म्यूटेशंस कॉज करती हैं और कैंसर कॉज करती हैं। न्यूट्रॉन आपकी बॉडी के अंदर जाके बाहर की कोई रेडिएशन की जरूरत ही नहीं रहने देते, वो आपकी अपनी बॉडी को रेडियोएक्टिव बना देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो मोस्ट डैमेजिंग रेडिएशन है। इसके अलावा प्रोटॉन डिके भी होता है, किसी पार्टिकल से अगर प्रोटॉन रिलीज हो जाए तो क्या होगा? प्रोटॉन रिलीज होने की सूरत में हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस एक्स जेड ए है वो एक नए न्यूक्लियोइड में तब्दील हो जाएगा विद प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों वन डिजिट पीछे चले जाएंगे, ठीक है। प्रोटॉन रिलीज हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिकेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिथियम डिके की बात कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स जेड ए पेरेंट न्यूक्लियस एक आइसोटोप रिलीज करता है तो नतीजतन जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट्स और जो मास नंबर है वो 7 डिजिट्स चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकते हैं। कुछ रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, कुछ में इमिट होती है, वो बात हमने डिटेल में आगे करनी है। तो यहाँ तक हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन पढ़नी है।
अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो कैंडी पूछ लीजिए। हाँ बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज लेक्चर आते ही तक होगा, कुछ डिस्कस करना है तो पूछिए। ओके बच्चों, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को आज के फाइनल करेंगे, इंशाल्लाह कल हम हाफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।